भाइयों और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे बोल देती रही, झूठ बोलती रही कि वन रैंक वन पेंशन लाएगी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत